गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें पहला टॉपिक चल रहा है आपका माध्य। तो माध्य हम कर चुके हैं फॉर्मूले से, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर हमें टेबल दी गई थी एक्स और एफ, फिर एक्स हमें दिया गया वर्ग अंतराल में। तो ये हम तीन तरीके से हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे 16.3 कल्पित माध्य से समांतर ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स और एफ दिया हुआ है आपको। एक्स का मान है भाई 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। एफ का मान है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। आपको यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है कल्पित विधि से। क्या ज्ञात करना है भाई? कल्पित माध्य है। ज्ञात तो माध्य ही करना है, जो आपने काम किया वही करना है, लेकिन आज थोड़ा विधि चेंज है। कौन सा है? कल्पित माध्य। मतलब आप क्या करो, पहले भाई माध्य जो आता है वो पहले तो देखो, ये है x है और ये f है। मतलब क्या है, 800 जो है वो 7 बार आया है, 820 14 बार आया है। तो माध्य जो आएगा इन संख्याओं में से कोई एक माध्य आएगा, इनके कोई बीच का मान होगा। अब हमने क्या किया, एक्स में से आपको क्या है, अपनी मर्जी से कोई भी एक मान क्या करो, कल्पना कर लो माध्य की। हमने मान लिया भाई हमारा कल्पित, मतलब कल्पना कर लो, खुद ही सोच लो कि माना कि मेरा माध्य जो है वो क्या है भाई 900 है। हमने माना कल्पित माध्य हमारा क्या है भाई 900। जो विधि का नाम है वही काम करना है, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है। मतलब आपको एक कल्पना करनी है, क्या कल्पना करनी है कि हमारा माध्य कितना है इसका 900 है। अब क्या करें, हम करेंगे अब 900 में से इस एक्स को घटाएंगे। ये x जो है इसको क्या करेंगे, जो आपने कल्पना की है जिस माध्य की उसको घटाएंगे। इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दो, अपने दे दिए d। तो अब आ जाएगा d हमारा, कैसा आएगा भाई, या x माइनस कर लो, x माइनस लिख लो पहले, 900 मत करो, x। और ये a है ना, इसको कल्पित माध्य को a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a से। मैं सीधा 900 लिख देता हूँ, x माइनस 900। कल्पित माध्य को हम लिखेंगे स्मॉल a से। तो भाई 800 माइनस 900 तो आप कहेंगे भाई माइनस के 100। 820 माइनस 900 माइनस के 80। 860 माइनस 900 माइनस का 40। 900 माइनस 900 जीरो। 920 माइनस 900 20। 980 माइनस 900 80। 1000 माइनस 900 क्या आ गया भाई, 100 आ गया। अब आप इस x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मान लो ये आपका x है और ये f है। अब f x का काम आप जानते हो क्या कर रहा, आपने इन दोनों को गुणा किया था। तो ये लाइन x की नहीं है, किसकी है, d की। तो हम क्या करेंगे, f d लिख देंगे, दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करो भाई 7 को, किससे गुणा करोगे, माइनस 100 से। 7 गुणा 100 माइनस का 700। 14 को गुणा करेंगे माइनस 80 से, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 92 14 8 112 आगे जीरो लगा देंगे तो 1120।
1931, 1937, 1954, 1976 जीरो से गुणा करते जीरो होता है भाई, दो दूनी चार होता है, आठ एकम आठ, पाँच एकम पाँच, पीछे जीरो लगा दो। तो ये F था और ये D था, तो दोनों गुणा किया तो क्या आ गया F D। समान चिन्ह संख्या जोड़ होती है, समान चिन्ह वाले जोड़ो, माइनस माइनस के जोड़ो, प्लस प्लस के जोड़ो, तो ये हो गया भाई 800, 400, 1200, 1200, 500, 1700। ये कितना हो गया भाई, देखो 700, 700, 1400, 1400, 1000, 2400, 2580। तो ये 2580, 700, 700, 1400, 1200, 2400, 2500, 2580। माइनस करो भाई, तो संख्या बड़ी है, माइनस में उत्तर माइनस में आएगा, तो बच गए 880। कितना बच गए भाई 880। एफ को तो जोड़ने पड़ेगा, एफ को तो हम पहले भी जोड़ देते हैं, 4, 7, 11, 9, 20, 5, 25, 5, 30, 7, 3, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। एफ का योग आ गया 100। अब यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र होगा चेंज, माध्य को तो वही हम लिखेंगे एक्स बार से। अब हमने क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया ना, तो यहाँ पे आता है ए। अब उत्तर प्लस में भी आ सकता है, उत्तर माइनस में भी आ सकता है, मैं दोनों चिन्ह लगाऊंगा, प्लस और माइनस। अगर प्लस का आएगा तो प्लस काम लेंगे, माइनस का आएगा तो माइनस का काम लेंगे। ये जोड़ किसका किया आपने, समेसन एफ डी का जोड़ किया, तो मैं इसको क्या लिख दूं, समेसन एफ डी। ये क्या है भाई, समेसन एफ, सिग्मा भी बोलते हैं इसको, तो वहां पे क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ था। अब क्या है, सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और नया कल्पित माना इसलिए ए में जोड़ या बाकी करनी है। यहाँ पे किसका चिन्ह आया, माइनस का, या आप प्लस भी लगा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, एक चिन्ह काम ले लो, प्लस एफ डी का मान रखोगे तो ए, ए का मान कितना भाई 900, प्लस इसका मान कितना आया भाई माइनस 880 बटा 100, तो प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 900 माइनस 8.80, तो कितना हो जाएगा भाई 891.20, इसका माध्य आ जाएगा। हो जाएगा क्या, अगर आप मेरी बात सुनो, अगर आप इसको सीधा गुणा करके इस प्रकार से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी निकाल देना, तब भी उत्तर यही आता। क्या करते हैं, सीधा सीधा गुणा करके, जैसे आपने 16.2 में किया है वैसा करते तो भी उत्तर ही आएगा। मैंने क्या माना है, कल्पित माध्य मैंने माना है 900, किसको माना है, आप 800 मान लो, मतलब इसमें से कोई भी संख्या मान लो तब भी उत्तर ही आएगा। इसमें से नहीं, आप अपनी मर्जी से दूसरी भी मान सकते हो, जैसे इसमें 910 है ही नहीं, मैंने 910 मान लिया तब भी वही उत्तर आएगा, उत्तर परमानेंट एक ही आएगा, कुछ भी मानो। मैंने इसमें है वो मान लिया, अगर मैं कहता भाई मैं तो 910 मानू या 950 मानू तब भी ये आएगा, किसी भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह है आपका कल्पित माध्य की विधि। आगे देखिए, तीसरा चौथा पांचवा एक तरह से ये सारे, तीसरे चौथे में क्या है, देखो डबल डबल लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लंबी कर लेना, इसको यहां पे आगे लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच देख रहे हैं, वर्ग है, वर्ग को मैं लिखूंगा एक्स, ये लिखूंगा मैं एफ, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
तीस से चालीस, चालीस से पचास, छः दस तेरह सात चार। सवाल में साफ लिखा हो, पहले क्या था कल्पित माध्य विधि से करो, अब के बाद लिख लिया है क्या कल्पित माध्य आपको खुद को नहीं मानना है, पच्चीस मानो, सवाल में खुद में लिखा हुआ है कल्पित माध्य पच्चीस मान कर, अब आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, यहाँ पे आपको दे दिया, मजबूर किया हुआ है, बंदी से है कल्पित माध्य आप पच्चीस ही मानोगे, अपनी मर्जी से नहीं करो। तो मैंने कल बताया था जब x अंतराल में आता है तो हमें मध्यमान x निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा मध्यमान x, इसका बीच का मान मध्यमान x, मैं x को x लिख रहा हूं, मध्यमान x है, कैसे निकालते हैं दोनों को जोड़ेंगे दो का भाग देंगे, दस और जीरो दस होता है तो दो का भाग देंगे पांच, बीस और दस तीस, दो का भाग देंगे पंद्रह, तीस बीस पचास, दो का भाग देंगे पच्चीस, यहाँ पे आएगा पैंतीस और यहाँ पे आ जाएगा आपका पैंतालीस। इसके बाद हमने कल किया था इसको सीधा गुणा करेंगे जोड़ेंगे x का भाग देंगे, आज विधि चेंज है कल्पित माध्य है हमारे पास, तो कल्पित माध्य में क्या करेंगे आप क्या करोगे, कल्पित माध्य को लिख दो नई लाइन लिखेंगे d, कैसे आएगी x को घटाएंगे 25, मध्यमान जो x है ना समय से 25 घटाओ, 5 माइनस 25 15 माइनस 25 25 माइनस 25 35 माइनस 25 45 माइनस 25। तो कल्पित माध्य से भी आता भाई आपको घटाने का काम करना है, कल्पित माध्य आप किसी को भी मान लो, जब दिया हुआ है तो नहीं मानेंगे, दिया हुआ है तो वही मानना जो दिया हुआ है, पांच माइनस पच्चीस होते हैं भाई माइनस के बीस, माइनस के दस, जीरो दस और बीस, ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब नई लाइन, ये आपका एफ है और ये नई लाइन डी है, बाकी सब भूल जाओ, तो गुणा करेंगे क्या आएगा एफ डी, बीस छक्के 120, दस दाएं 100, 13 गुणा 0, 10 सात दाएं 70, 20 चौक 80, माइनस का माइनस में जोड़ेंगे प्लस का प्लस में जोड़ेंगे, ये हो गया भाई 150 प्लस के, ये 220 माइनस के, आंसर आ गया माइनस का 70 माइनस का 70, ये किसका मान है भाई एफ डी का, एफ जरूरी है, एफ को भी जोड़ना है, ये है भाई सिग्मा एफ, जोड़ो 13 और 7 20 होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, 20 10 30 10 40, ठीक है। सूत्र अब याद आना चाहिए क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए का मान आपने 25 माना है, प्लस इसका मान माइनस 70, इसका मान 40, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, 4 का भाग 2 4 एकम 4, पीछे भेजेंगे 30, तो 30 में 7 चौक 28, 4 पंजे 20, कितने हो जाएंगे भाई 23.25, 23.25। है आपकी कल्पित माध्य विधि, मैंने बताया आपको कोई सा भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं बीच का मानते हैं ताकि जोड़ बाकी थोड़ा आसान रहे, संख्या छोटी आ जाए। अंतिम सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, x 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, f 10 25, 28, 12, 10, 15।
ठीक है, पानी से लेकर इनको जो सी 15 तो थोड़ा नीचे खींचो इनको पकड़ के, दस 25 28 12 10 15। अगर आपको सवाल में लिखा हुआ आता है कल्पित माध्य विधि से करो तो कल्पित माध्य से विधि से करेंगे वरना नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य ज्ञात करो, क्या लिखा हुआ है माध्य ज्ञात करो, किसी विधि से करो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी विधि से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला काम तो कर लो माध्य मान x निकाल लो, माध्य मान x दोनों को जोड़ेंगे, 90 दो का भाग दिया 45, फिर 55, फिर 65, 75, 85 और 95। छोड़ा पॉइंट दो में हमने सीधा सीधा दोनों को गुणा करके जोड़ा था, फिर सिग्मा का भाग दिया उत्तर आ गया था। कल्पित माध्य हम अभी कल्पित माध्य मान रहे हैं, तो कल्पित माध्य हम देखो जैसे मैंने मान लिया अब की बार 65 मान लो, क्या मान लो 65, तो क्या लिखूंगा मैं नई लाइन लिखूंगा डी एक्स माइनस 65। मैंने कल्पित माध्य किसको माना है 65 को, मैंने माना ए बराबर क्या भाई 65 65। देखो भाई 45 माइनस 65 55 माइनस 65 28 माइनस 65 27 का आगे बीच में है 65 माइनस 65 75 माइनस 65 85 माइनस 65 95 माइनस 65 सब में 65 घटाना कितना होगा 45 माइनस 65 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 और 30। नई लाइन क्या जाएगी एफ डी गुणा करो एफ को, 20 दाए 200 25 दाए 250 0 12 दाए 120 200 15 दाए 45। माइनस माइनस के जुड़ेंगे प्लस प्लस के जुड़ेंगे 400 200 600 770 माइनस 450 तो ये हो गए भाई आपके 320। एफ को जोड़ो 5 2 7 8 7 15 5 20 हासिल की 2 3 4 5 2 7 2 9 10। सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, a का मान 65 320 बटा 100 जो आ जाएगा 65 प्लस 3.20 उत्तर आ गया भी 68.20। अब देखो इसी में मैं एक नई विधि जोड़ रहा हूं पद विचलन विधि, क्या है विधि का नाम पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या करते हैं हम देखो एक स्टेप चेंज करते हैं, पद विचलन विधि में सिर्फ एक स्टेप चेंज होता है, क्या होता है हम ये लाइन नहीं निकालते हैं, हम क्या है इसके अंदर नया नाम ले देते हैं यू, क्या ले देते हैं नाम दे रही यू। इसमें क्या कर दिया ये जो डी आया ना इसमें किसी संख्या का भाग दे देते हैं, ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका भाग सब में जा रहा हो, 10 का भाग सब में जा रहा है तो हमने क्या कर दिया सब में 10 का भाग दे दिया, 10 का भाग दो 10 दूनी 20 10 देखम 10 0 10 ये भाग दे दिया भाई 10 का। अब नया लाइन आगे गुणा किससे करेंगे एफ यू से करेंगे, 10 दूनी 20 25 एकम 25 0 12 एकम 12 10 दूनी 20 और 15 तीन 45 इनको जोड़ेंगे वही 77 इनको जोड़ेंगे 45 कितना बचेगा 32। इसका सूत्र क्या आएगा a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, गुणा क्या आएगा एच, जितने का भाग दिया उतने से गुणा करना है, मतलब ये जो एच है ना वो है आप 10 का भाग दिया यहाँ पे 10 से वापस गुणा कर देंगे, ए का मान कितना आपका 65 प्लस 32
बटा 100 गुणा करेंगे वापस 10 से, 10 का भाग दिया था वही उत्तर आएंगे। ठीक है, ये वंश विधि है, पद विचलन विधि। तो क्या करते हैं, वही काम होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको थोड़ा छोटा करने के लिए इस संख्या का भाग दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसको, इसी पद विचलन विधि को हम यहाँ से इसी जगह से चेंज कर दें, हम क्या कर दें यहाँ से इसको अगर चेंज कर दें, जैसे आपको ये कुछ नहीं निकालना है, ठीक है, उत्तर आपको पता है इसका ये आएगा। चलो मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या किया भाई, देखो मैंने माना कि मैंने इसको यहाँ मान लिया जीरो 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 के, जैसे ये संख्या रेखा है इधर जीरो, इधर मान के साथ प्लस के, नीचे आएंगे तो कैसा आएगा प्लस का, ऊपर कैसा आएगा माइनस का। ठीक है, तो मैंने क्या किया ये मान मान लिया, इसको मैंने सीधा मान दिया u। अब क्या ये u आ गया मेरा, गुणा करो भाई f u, 10 तीस 23 25 दूनी 50 28 एकम 28 0 10 एकम 10 15 दूनी 30 30 और 10 हो गए 40 50 30 80 20 100 108 माइनस कर दो 68, इसका योग सही है। अब क्या है, जिसके सामने आपने जीरो लिखा है ना वो ऑटोमेटिक आपका कल्पित माध्य हो गया, जीरो आप ऊपर लिखते हैं तो जीरो कल्पित माध्य हो जाता, तो जिसके सामने जीरो लिखा वो क्या है कल्पित माध्य आ गया भाई 75 प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, तो 75 यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ये ए है, ए का मान 75 हो गया, प्लस यहाँ माइनस आएगा माइनस 68 बटा 100 एच का मान, इनके बीच में कितना कितने का अंतर है भाई 10-10 का अंतर है ना, ये एच आपकी बार मैं यहाँ से लूंगा 10, तो क्या जाएगा 0-0 बट गया, भाग दो क्या आएगा 75 माइनस 6.8, बाकी निकालो 75.0 माइनस 6.8, यहाँ से हासिल दिया इधर हो गया 10, यहाँ बच गया 4, 10 में 60 गए 2, 14 में 60 गया 6 जाएगा, किसी भी विधि से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई सा भी मान मान लो, तो अब आपके समांतर माध्य जो है पूरी सभी विधि से कंप्लीट हो गया है। कल नए प्रसाद शुरू करेंगे माध्य की जगह माध्यक, ये था हमारा मीन यानी कि समांतर माध्य, कल शुरू करेंगे मीडियन यानी माध्यक, माध्यक या इसको बोलते हैं मध्यका, मध्यका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।